पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का खौफ है या फिर मामला कुछ और है? हुकूमत इस्लामाबाद में किसी भी किस्म का बगैर इजाजत जलसा करने या लोगों के इकट्ठे होने पर नया कानून तो बना बैठी, और ना सिर्फ नया कानून बनाया बल्कि अब रेड जोन को सील भी कर दिया है, जिसकी पेशगी कोई इतला नहीं दी गई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बहुत दूर की कौड़ी भी ले आए हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस्लामाबाद ने पेश की इतला के बगैर रेड जोन को अचानक सील कर दिया क्या है। मार्गला रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। रेड जोन जाने वाले तमाम गेट बंद कर दिए गए, जबकि सिर्फ मार्गला रोड को खुला रखा गया। अवाम को इसके मुतालिक पहले आगाह नहीं किया गया। अचानक रेड जोन सील करने से मार्गला रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है और गाड़ियों की तवील कतारें भी नजर आने लगी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने मार्गला रोड पर लंबी डायवर्शन भी लगा दी है, जबकि ऐसी हाल में आवाम को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए भी कंटेनर से रेड जोन को सील किया गया था, जिस पर हुकूमती खराजात आए वो एक तरफ। जलसा पुलिस को 5,92,45,000 रुपए में पड़ा। जराय का कहना था कि खराजात कंटेनर्स और पुलिस के खाने की मद में किए गए, जबकि इस्लामाबाद में 150 कंटेनर पहुंचाए गए थे और 150 कंटेनर्स का रेंट 3,70,00,000 रुपए बताया जा रहा है। इजाफी 100 कंटेनर मंगवाए गए और इनका रेंट 1,17,00,000 रुपए तक तखमीना लगाया गया है। इसके बाद 7 सितंबर को 205 मजीद कंटेनर इस्लामाबाद में मंगवाए गए, जिनका रेंट लगभग 3,00,000 रुपए के करीब है। हुकूमत के हाथ पांव फूले हैं, शायद यही वजह है कि नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम अमेरिका और बरतानिया की तर्ज पर इस्लामाबाद में किसी के जलसा करने पर कैद के हवाले से कानून लेकर आ रहे हैं। बताया ये गया कि अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में बगैर इजाजत जलसा करने या लोगों के इकट्ठे होने पर 4 साल सजा है, जबकि बरतानिया में 12 से ज्यादा लोगों के बगैर इजाजत किसी भी इलाके में इकट्ठे होने पर 10 साल की सजा है। अगर 3 लोग बगैर इजाजत किसी जगह पर बरतानिया में इकट्ठे हो जाएं तो उन पर 5 साल तक की सजा है। मामला यह है कि हुकूमत को अवामी रिलीफ के लिए अमेरिका या बरतानिया के कवानीन या वहाँ की हुकूमतों की पॉलिसीज नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ इन पर इतना हावी हो चुका है कि आज ये जलसा या एहतजाज करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। इन्हें लगता है कि शायद ये हमेशा हमेशा के लिए हुकूमत में है, लेकिन आखिर एक दिन तो इक्तदार को खत्म होना होता है।